मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर मैं टिका तो किसी बाहरी को राजनीति नहीं करने दूंगा, लड़ाई अभी जारी है। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है, मैं हूं मनीष सिंह। सीएम हेमंत सोरेन का एक बयान अभी सुर्खियों में है। उनका यह कहना कि झारखंड में आज कई षड्यंत्रकारी लोग पनडुब्बी से बाहर निकलने वाले हैं, हम उन्हें ख़त्म करने की तैयारी कर रहे हैं, बस आप लोगों का साथ मिलता रहेगा तो हम इन सभी को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। उन्हें पता है कि हेमंत सोरेन 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो वह सभी को राज्य से बाहर धकेल देंगे। बताते चले कि गांडे से भाजपा के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा सहित कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में झामुमो का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को अपने आवास पर पहुंचे, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए सदस्यता ग्रहण करने वाले जो लोग आए हैं, इन सभी का संगठन की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। अब समय आ गया है कि जब इस राज्य के मूलवासी और आदिवासियों को एक छत के नीचे आना होगा। हेमंत सोरेन ने राज्य के विकास और सरकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा, राज्य तो हम लोगों ने लड़कर ले लिया, लेकिन सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में चली गई जिन्होंने कभी राज्य का भला नहीं सोचा। इस खबर में बस इतना ही, आगे की और भी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।